विद्यार्थियों, मानक नगर रेवेन्यू कॉलेज जो आड़ी से लखनऊ की ओर से मैं भिमरेश गुप्ता आज आपका गणित के इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हाई स्कूल की गणित में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, उसके नियम और साथ में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं पहले तो शुरुआत करते हैं पहले इस फॉर्मूले से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाते हैं कि यदि हमें दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इस काम के लिए पहले आपको दो बिंदु जो होते हैं वो दी होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो बिंदु दिखाए गए हैं, बिंदु P और Q के फॉर्म में, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालने को कहा जाएगा। तो बिंदु P इस फॉर्म में दिया गया है x1 y1 के फॉर्म में, और बिंदु Q दिया गया है x2 y2 के फॉर्म में। ठीक है, तो डायग्राम भी देखिए शो किया गया है। यह आपका कोऑर्डिनेट बना हुआ है, एक्सिस बनाए गए हैं। ये आपका धन एक्स अक्ष और ऋण एक्स अक्ष, और साथ में इसे वाई भी दिखाया गया है। तो वाई अक्ष देखिए ये बना हुआ है, और एक्स अक्ष ये बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये x1 है, और ये दूरी जो है ये x2 है। और ये यहाँ मूल बिंदु से या फिर कहें x अक्ष से ऊपर जब जाएंगे तो ये डिस्टेंस y1 है और ये डिस्टेंस y2 है। अब हमें कुल मिला के ये दूरी निकालनी है। ध्यान दें, क्योंकि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, हमें निकालना है P और Q के बीच की दूरी। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखें केवल फॉर्मूला आप समझ लें। एक्चुअली अगर आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए दिखाया गया है। ये फॉर्मूला है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये है PQ। यहाँ से आप जो है दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाल सकते हैं, और इसका उल्टा भी संभव है क्योंकि रूट में लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर लिखें या b - a का होल स्क्वायर लिखें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आती हैं। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब आपको इस फार्मूले पे कुछ महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो समझ लेने हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला जो नियम है कुछ इस प्रकार से है। कुछ तथ्य दिखाए गए हैं, और उन तथ्यों में जो पहला है वो इस प्रकार से है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और यदि कोई बिंदु P है इस फॉर्म में, P एक्स वाई के फॉर्म में है, और यदि इसकी दूरी हमें निकालनी है मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु आप जानते हैं कि मूल बिंदु को हम हमेशा O से दिखलाएंगे, 0.0, और यह है फॉर्मूला OP के फॉर्म में, OP इक्वल टू रूट में x2 + y2। और अगला जो फॉर्मूला है वो नंबर थर्ड है कि यदि यदि बिंदु PQ दिए गए हैं, P जैसे आपने पीछे देखा था, P दिखाया गया है x1 y1 के फॉर्म में और Q दिखाया गया है x2 y2 के फॉर्म में, तो यहाँ से PQ का फॉर्मूला बन जाता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका उल्टा भी संभव है। ठीक है, मतलब x2 - x1, थोड़ा गलत प्रिंट है, x2 - x1 और ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखें नंबर चार पे आ जाएं। नंबर चार कहता है कि यदि बिंदु P और Q दोनों के बीच दूरी अगर 0 है,
ठीक है, यदि बिंदु P और बिंदु Q दोनों के बीच की गैपिंग शून्य है, इसका मतलब दोनों बिंदु एक ही हैं, P इक्वल टू Q, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए दोनों बिंदु P और Q x अक्ष पे मौजूद हैं, तो इस कंडीशन में PQ का मान निकाल सकते हैं मॉड में x1 - x2, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं, मॉड देखिए बताए गए हैं नंबर 6 पे है कि अगर मान लीजिए दोनों बिंदु पी और क्यू एक्स के स्थान पे वाई एक्स पे मौजूद हैं, ठीक है, दोनों बिंदु पी और क्यू जो है वो दोनों वाई एक्स पे अगर मौजूद हैं, तो इस कंडीशन में x1 x2 शून्य हो जाएगा और पी क्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं मॉड में y1 - y2। देखिए विद्यार्थियों, एक्स अक्ष का मतलब होता है कि वाई का मान शून्य होगा और वाई अक्ष का मतलब होता है कि एक्स का मान शून्य होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन नियमों के पश्चात हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका है पहला क्वेश्चन, हम लोग यही लिख चलते हैं। इसमें दिखाया गया है कि यदि बिंदु इस प्रकार से हैं कि ABC, ठीक है, यदि बिंदु दिखाए गए हैं ABC और ABC तीनों के कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं, बिंदु A का दिखाया गया 3.2, B का दिखाया गया -2.3 - 3 और C का दिखाया 2.3, क्या तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं? पहला क्वेश्चन, अगर बनाते हैं तो त्रिभुज का टाइप बताना है, त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अब बोर्ड का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये NCERT के हिसाब से बनाया गया है, तो इसको आप समझ लें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जो बिंदु दिखाए गए हैं ABC, तीनों बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाते हैं तब जाके एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने इस प्रकार से बना दिया है, त्रिभुज ए बिंदु यहाँ दिखा दिया, बिंदु बी यहाँ दिखा दिया, बिंदु सी यहाँ दिखा दिया। अब हमें AB BC और CA इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कड़ी में जो पहला काम किया गया है वो पहले AB निकाला गया है, और AB निकालने का मतलब है कि ये देखिए रूट में जो फॉर्मूला आपको बताया गया था पीछे, उस फॉर्मूले का अब इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए बिंदु ए आप देख सकते हैं 3.2 है, बिंदु बी जो है -2.3 दिखाया गया है, तो इस प्रकार से अगर ए बी निकालने को आएगा तो आप रूट में ध्यान दें बच्चों, ये जो 3.2 लिखा हुआ है तो इसमें x1 का मान 3 हो जाएगा और y1 का मान 2 हो जाएगा। ऐसे बिंदु बी वाले में देखिए, बिंदु बी का दिखाया गया है -2.3, तो यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारे मान यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे जो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये जो है देखिए रूट में 50 आ रहा है। ऐसे ही आपको BC निकाल लेना है, ठीक है ना। BC का वही तरीका है, BC का मतलब B और C के बीच दूरी निकालना। तो यहाँ आपको फिर से एक को x1, एक को y1, एक को x2, एक को y2 मानना पड़ेगा। उसके बाद आप रूट के बाहर जब करेंगे तो रूट में ये 52 निकल रहा है, 52। ऐसे आपको लास्ट में AC निकाल लेना है, तीसरी और आखिरी भुजा, तो ये रूट में 2 निकल रही है। अब यहाँ देखें बच्चों, आपसे पूछा गया कि है त्रिभुज बनाता है ये, है ना। उसके बाद आपको पहले तो चेक करना है कि क्या ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए ध्यान दें कि कोई किन्हीं भी दो भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए सिंपली। तो यहाँ पे भुजाएं AB और BC पे ध्यान दें, रूट में 50 और रूट में 52, और ये जो है थर्ड जो भुजा है रूट में 2 उससे काफ़ी बड़ी है, तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसका उल्टा भी संभव है, अगर आप AC और BC भी ले चलें तो ये भी जो है AB से बड़ा है,
ठीक है ना। और इसका थर्ड भी देखिए, तीनों कंडीशन लागू हो रही कि ए बी और ए सी ले चलते हैं तो ए बी बी सी से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से एक त्रिभुज बनाएगा। और यदि आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि रूट में जो आपका बना है बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। ये प्रमेय होती है पाइथागोरस की प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो वो चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है और ये सारे मान जो इसमें ठीक बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि यदि दो बिंदु दिखाए गए हैं ए और बी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में, ए का मान दिया 5,1 और बी का मान दिया -1,5, और इन दोनों बिंदुओं की यदि बिंदु पी से पी दिखाया गया x,y बराबर दूरियों पे हैं, बिंदु पी जो है ए और बी इन दोनों से समान दूरियों पे, इसका मतलब कि पी ए और पी बी, पी ए और पी बी ये दोनों मान जो है वो बराबर होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि पी ए निकाल लेंगे। पी ए कैसे निकालना है, पी ए निकालने का तरीका वही जो आपको बताया गया है पीछे, बिंदु पी और ए, ओके, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 ये y2 यहाँ बैठा देना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, ध्यान देना है, हमने दोनों पक्षों का वर्क कर लिया है, स्क्वायर करने पे जो है ये रूट हट जाएगा और पी ए स्क्वायर इस फॉर्म से बन जाएगा। यही काम यहाँ भी करना है, पी बी भी आपको निकाल लेना है, और पी बी निकालने के लिए पी यहाँ से और बी यहाँ से, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, चिन्ह का भी प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से पी बी स्क्वायर भी निकाल लेना है, और फिर दोनों को जब बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद इनको आपको हल करना है, ठीक है। इनको हल करने का मतलब कुछ इस प्रकार से कि जो आपका जो मान पूछा गया है, क्योंकि सिद्ध करने को है कि 3x = 2y ये दिखाना है ना, 3x = 2y। तो इसके लिए आपको पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर ये कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कट जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा, इधर माइनस का 10x है, प्लस का 2x है, इनको साथ में कर लेना है, 10x को उधर ले जाएंगे, 10x को उस दिशा में ले जाएंगे, माइनस का 2y है और माइनस का 10y है, 10y को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 10x और ये 2x मिलेगा तो 12x बना देगा, और 10y में, या 10y को आप रोके नहीं थे, 10y को यहीं रहने दें, 10y को जो रोकेंगे 2y को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 8y बन जाएगा, और 26 भी कट जाएगा, तो 12x = 8y 4 से काट देंगे तो 3x = 2y। तो इस प्रकार से आपका जो प्रूफ था, आपको पूछा गया था कि जो है आपको दिखाना है, दर्शाना है कि 3x = 2y, ये चीज़ थी, वो चीज़ जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं जहाँ पे एक बिंदु की किसी अन्य दो बिंदुओं से दूरियां अगर बराबर हैं तो किसी न किसी कंडीशन में, कोई न कोई कंडीशन आपको, कोई चीज़ आपको प्रूफ करने को, सिद्ध करने को आ सकती है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये बोर्ड के लिए और एनसीईआरटी के लिए, तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और ये बड़े नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको सीखना है। पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखने, क्या दिखाया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर, कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु 1,1 -1,5 7,9 और 9,5 क्रमशः किसी आयत के शीर्ष हैं। देखिए बच्चों, आयत का मतलब होता है कि अगर आपको आयत दिखाना है कि ये आयत के शीर्ष है, इसका मतलब ये है कि आयत का मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति,
ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 होगा, और इनके विकर्ण, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपको दिखानी है, तो इसके लिए चूंकि चार बिंदु जो दिखाए गए हैं उनको हम लोग को आयत के चारों कोनों पे दिखा देना है। डायग्राम को देखें, ये आपका वर्ग एक आयत दिखाया गया ए बी सी डी के फॉर्म में, ए ऊपर दिखाया गया, बी यहाँ दिखाया गया, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ए ऊपर अब बी यहाँ पे नीचे दिखा दें, अब बी को साइड में दिखा सकते हैं, लेकिन क्रम से चलेंगे, ए के बाद बी ही आना चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज में आए चाहे एंटी क्लॉकवाइज में आए, ए के बाद आप सी या डी नहीं दिखा सकते हैं, सी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। डी तो आ सकता है लेकिन सी नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से चारों बिंदु देखिए हो गए हैं ए बी सी डी। अब चूंकि हमको दिखाना है कि ये एक आयत के शीर्ष हैं, अब सीधा इसका मतलब है कि हमें जो है इस चतुर्भुज जो आपके सामने बना हुआ है, ये चारों शीर्ष दिखाए गए हैं इस फॉर्म में, ये है ये और ये, तो पहले हम एक भुजा ए डी निकाल लें, ठीक है। और ए डी निकालने का मतलब है कि ए और डी के बीच की दूरी निकालना, तो एक बार फिर से वही फॉर्मूला चलेगा, रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ से ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स टू वाई टू का मान निकल आएगा। तो पहले आप ए डी निकाल के दिखा दें, देखिए जिसने ए डी निकाला हुआ है, और पहले स्क्वायर कर लिए ताकि रूट हट जाए, तो मैं मिलान करता हूँ कि ए डी में देखें, ए डी का मतलब ये 1.1 और 9.5, तो इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन लिख रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए एक्स वन बाई वन, इसको मान लीजिए एक्स टू बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो भी ओके। तो आप इसको यहाँ पे ये यहाँ से ये इसको एक्स वन बाई वन, इसको एक्स टू बाई टू मान के इसको यहाँ बिठा दिया गया है, ठीक है ना। तो बनेगा 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू साथ में घटेंगे और वाई वन वाई टू साथ में घटेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो रूट का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको हल करने का मतलब है कि आप ए डी का मान निकाल सकते हैं, रूट में ए डी स्क्वायर निकल रहा है रूट में 80 इस प्रकार से, और ए डी निकालेंगे तो ये आपका 4√5 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं जैसे इसमें चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले विद्यार्थी हम लोग ए बी चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है, तो ए बी निकालने के लिए आप चेक करें, ये बिंदु ए दिखाया गया है, बिंदु बी दिखाया गया है। अब आपको एक्स वन माइनस एक्स टू लिखें या एक्स टू माइनस एक्स वन लिखें, दोनों एक ही कंडीशन शो करेंगे। तो ये एक्स वन वाई वन दिखाया गया है, ये एक्स टू वाई टू दिखाया गया है, ये मान यहाँ यहाँ पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो माइनस वन मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, ये हो गया √20, ए बी का मान हो गया √20, ठीक है। √20 को लिखेंगे 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2√5 इकाई, ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको निकाल लेना बी सी स्क्वायर, जो नीचे दिखाया गया है, ये मान जो नीचे बना हुआ है बी सी है, बी का मान दिया है -1.5 और सी का मान दिया है 7.9, ठीक है। तो मैं फिर से इसको एक्स वन, इसको वाई वन और इसको एक्स टू, इसको वाई टू, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 80, अगर बी सी निकालेंगे तो, क्योंकि ये बी सी स्क्वायर था, बी सी स्क्वायर 80 निकला, तो बी सी कितना हो गया रूट में 80, और 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 5, 16 × 5
16 का वर्गमूल 4 आएगा, 4 बाहर निकाल लेंगे और रूट में 5, इतना इकाई या इतना मात्रक, 4√5 इकाई ये बन जाएगा। इसी क्रम में आपको सी डी का मान निकालना विद्यार्थियों। अब आपको सी डी अगर निकालना है तो इसके लिए फिर से इस पॉइंट पे आ जाएं। सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये दिखाया गया है, और पहले फिर से इसको x1 ये y1, ये वाला मान x2 ये y2, ये दोनों मान यहाँ आपको बिठा देना है। तो फिर से रूट में 20 आ रहा है सी डी की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि सी डी का जो मान निकल रहा है वो रूट में 20 आ रहा है, और रूट में 20 आने का मतलब है कि 2√5, जैसे ऊपर दिखाया गया है वो सी डी की वैल्यू 2√5। ए डी की वैल्यू मैं पहले बता चुका था, और ए डी की वैल्यू जो है जो निकाली गई है रूट में 80 निकाली गई है, मतलब 4√5 इकाई या 4√5 मात्रक। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि आपने चारों भुजाओं के मान निकाल लिए हैं डायग्राम की मदद से। जो डायग्राम आपने बनाया हुआ है उसमें चारों पॉइंट, चारों शीर्ष दिखाए गए हैं, चारों शीर्षों के माध्यम से उनके बीच की दूरियां निकाली गई हैं, और इन दूरियों को निकालने के पश्चात हम कंपेयर करेंगे कि इन दूरियों में, इन लंबाइयों में क्या संबंध निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामने की भुजाएं हैं ए बी और सी डी है ना, डायग्राम भी देखने भी ऊपर 2√5 निकल रहा है, और बाकी दो भुजाएं हैं बी सी और ए डी, इनका मान भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से एक आयत है, क्योंकि आयत में जो है एक पहचान होती है कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इसका जो एक पार्ट है वो श्योर हो गया कि हाँ दैट कैन बी अ रेक्टेंगल। लेकिन विद्यार्थियों केवल इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दिखाना है कि ये आयत है, तो इसके साथ में आपको दोनों जो विकर्ण है ये भी लेके चलना पड़ेगा। तो विकर्ण के लिए आ जाते हैं, पहले दोनों विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण एक निकाला गया, देखिए ए सी, एक निकाला गया है बी डी, ठीक है। डायग्राम में देखें विकर्ण, दो विकर्ण दिखाए गए हैं, एक विकर्ण आपका ए सी है और दूसरा विकर्ण बी डी है। एक ये ए सी फॉर्म में दिखाया गया है, इसको आपको निकाल लेना है उसी फॉर्मूले से। इसको अब x1 y1 इसको मान लें, x2 y2 इसको मान लें, या इसको मान लें x2 y2 इसको मान लें x1 y1, कोई चेंज होने वाला नहीं है, परिणाम दोनों में एक ही निकलना है। तो इस प्रकार से AC और BD इनको निकाल के चेक करना है। अगर ये दोनों मान भी सेम आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज भी सेम आ रही हैं, जो मान AC का है AC आ रही है 10 इकाई, और BD की वैल्यू भी 10 इकाई निकल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि AC और BD, AC और साथ में BD, ये दोनों मान भी एक समान निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि यह जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है वो निश्चित रूप से एक आयत है, दैट इज अ रेक्टेंगल। और इस प्रकार से ये प्रमाण हो गया विद्यार्थियों कि ये जो चित्र दिखाया गया है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें चारों जो पॉइंट दर्शाए गए हैं उसके हिसाब से ये चारों पॉइंट एक आयत के हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है आयत कि आमने सामने ये दोनों भुजाएं और ये भुजाएं आपस में इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं, और विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ये भी आपस में बराबर हैं। तो
इस प्रकार से जो भी प्रतिबंध, जो भी आवश्यक शर्तें होती हैं किसी भी आयत के लिए, वे सभी शर्तें यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चार बिंदु क्वेश्चन में दिखाए गए थे, चार बिंदु जो हैं निश्चित रूप से एक आयत के ही शीर्ष हैं, मतलब आयत के ही चारों कोनों पर दिखाए गए शीर्ष हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया गया कि इस प्रकार से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, कैसे आपके क्वेश्चन बोर्ड में छोटे और बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने किताबों से, अपने पाठ्यक्रम की जो पुस्तक हैं वहाँ से इसके एग्जाम्पल के साथ में जो प्रश्नावली है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाए गए हैं, उसको भी ऐसे लगाएं। तो मैं अगले वीडियो में इसके अगले चरण में पहुंचूंगा, और तब तक आप इसको लगाएं, अभ्यास करें। जय हिंद।